तो दोस्तों कैसे लूटा जा रहा है उत्तम नगर में, जो आपने थंबनेल में देख कर आया है कि यहाँ पे फ्लैट के नाम पे लूटा जा रहा है। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही देखा है, और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे यहाँ के बिल्डर और डीलर किस तरह से फ्लैट के नाम पे आपको लूट रहे हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं तीन चार चीजों में आपको ये कैटेगराइज करके ये प्रूफ करूंगा कि ये कैसे लूट रहे हैं। सबसे पहली चीज, ये वीडियो में आप कंटिन्यू रहना पूरे लास्ट तक, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज है और कैसे तरह से आपको लूटा जाता है। तो दोस्तों ये गलत कैसे है, यहाँ पे कैसे लूटा जाता है, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि एक अगर कोई मिडिल क्लास आदमी है जिसकी सैलरी आप लगा लो कि 30,000 से 40,000 के बीच में है, वो बंदा अगर अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट रखा है अपने पास कुछ अपनी सेविंग्स रखा है 2-3 लाख रुपए, और वो उत्तम नगर में फ्लैट लेने आता है। दोस्तों अगर वो उत्तम नगर में फ्लैट लेने आता है और उसे मात्र 2-3 लाख रुपए देकर उसे उसकी मनचाही घर मिल जाती है, और उस जो रेंट वो दे रहा है, जैसे अभी कहीं पे वो रह रहा होगा पहले, तो वहां पे वो लगभग आप ये लगा लो कि 10,000 से 12,000 रुपए रेंट पे कर रहा होगा। दोस्तों उतनी ही रेंट की ईएमआई बनवाकर वो यहां पर दे रहा है, और साथ में 2-2.5 लाख रुपए में वो अपनी मनचाही घर ले रहा है। तो दोस्तों ये गलत है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये बंदा कहीं दूसरे जगह पर जाता है, कहीं भी जाता है ऑल ओवर दिल्ली में, तो वो अगर जड़ से मकान लेता है या फिर वो कहीं पे प्लॉट खरीदता है, तो दोस्तों आज के डेट में दिल्ली में जो कम से कम रेट चल रहा है वो 50,000 रुपये गज का रेट चल रहा है, या कहीं पे 25,000 रुपये गज का चल रहा होगा जो आउटी एरिया होंगे। दोस्तों उस हिसाब से सिर्फ लैंड की कॉस्ट अगर वो 50 गज खरीदता है तो 25 लाख रुपये से 20 लाख से 25 लाख रुपये के अराउंड उसकी आएगी। फ्रेंड्स ये तो हो गई बनाने के खर्चे अलग, और इतने उसे हार्ड कैश चाहिए होगी क्योंकि लैंड पे कोई भी लोन नहीं करता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उत्तम नगर के बिल्डर और डीलर हैं वो सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्यों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपको मात्र 2-2.5 लाख रुपए देकर आपको घर दिला रहे हैं, आपकी अपनी मनचाही घर आपको दिला रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपको लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। लोन के अंदर भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आज के डेट में यहाँ पे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरे से फ्लैट लो, आप उत्तम नगर में किसी भी बिल्डर के पास चले जाओ, किसी भी डीलर के पास चले जाओ, हर एक बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है, हर एक बंदा आपके लिए कम से कम साइड बना रहा है, कम से कम रेट की साइडें बना रहा है। जैसे हम अपनी बात करते हैं फ्रेंड्स, हम अभी अपने एट प्रेजेंट जितनी भी साइडें बना रहे हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम कम से कम रेट पे लैंड परचेस करें, लैंड परचेस करने के बाद कम से कम लागत में उसे बनाएं और आपको एज अच्छा बेस्ट क्वालिटी का डिलीवर करें। तो दोस्तों यही सब चीज़ें यहाँ के जितने भी डीलर हैं, जितने भी बिल्डर हैं, सारे कर रहे हैं, और यहाँ के जो डीलर हैं मैं आपको बता दूं कि वो भी कहीं से गलत नहीं है, वो भी सारे, देखो मार्केट में क्या होता है, बेसिकली 1-2% लोग होते हैं जो मार्केट ख़राब करते हैं, या ये हर जगह पे होता है कि 1-2% लोग खराब होते ही होते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपने कहावत भी सुनी होगी कि एक जो खराब मछली होती है पूरे तालाब को गंदी कर देती है, तो वही बात है, लेकिन उस पर आप ना जाएं। मैं आपको पर्सनली यही राय दूंगा कि आप किसी भी बिल्डर के थ्रू और किसी भी डीलर के थ्रू आप फ्लैट यहाँ पे ले रहे हो तो बिल्कुल परचेस करें। मैं आपको तीन चीजें बताता हूँ कि आप कैसे परचेस कर सकते हो, वो तीन पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों आप किसी से भी बाय करते हो फ्लैट यहाँ पे, तो आपको बस तीन चीजों की ध्यान रखनी है, मैं तीनों चीज आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि सबसे पहले आप किसी बिल्डर से ले रहे हो, डीलर से ले रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई डीलर भी आपको दे रहा है फ्लैट, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपसे 1,00,000 रुपए या 1.5 लाख रुपए आपसे एक्स्ट्रा लेगा फ्लैट के रेट से, क्योंकि उसके भी सारे खर्चे हैं, उसके भी ऑफिस के खर्चे हैं, उनने मेन रोड पे अपनी ऑफिस खोल रखी है जिसकी रेंट 50,000 रुपये महीना है, उन्होंने अपने सारे ऑफिस के अंदर स्टाफ रखे, उनके खर्चे हैं, तो कोई भी गलत नहीं करता। मैं आपको समझाता हूँ आपको कौन सा तीन पॉइंट है जो आपको मेंशन रखना है, तीन पॉइंट आपको सबसे जो जरूरी है, जो आपको चेक करना है प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप सबसे पहले आप 11,000 रुपये देते हो, किसी के पास ये सिस्टम होता है यहाँ उत्तम नगर के अंदर, आप 11,000 रुपये पे करो और आप यहाँ पे अपनी उस प्रॉपर्टी की पेपर ले लो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप प्रॉपर्टी की आपको फोटोकॉपी मिलेगी, आप वो लो। मैं बताता हूँ ओरिजिनल जो पेपर होती है वो कैसी होती है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे ये हमारी हमारे खुद की फार्म की पेपर है हमारे साइड की, इस पर डिपेंड नहीं करता किसका नाम है, किसका नाम मेंशन है, बस आपको इस प्रॉपर्टी को चेक करना है कि जो एड्रेस दिया गया है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। फ्रेंड्स इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, फ्रेंड्स इसमें जैसे यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है, ये सर्टिफिकेट नंबर बस आपको डालना है, और आप ये सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद
आपको इस वाले प्रॉपर्टी की सारी डिटेल मिल जाएगी। आप इसे ये भी ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसे लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ, रजिस्ट्रार ऑफिस में 200-400 रुपये आपकी खर्च होंगी, आप इसमें सर्टिफिकेट नंबर को डालने के बाद इस जो रजिस्ट्री है ये सारी डिटेल निकाल लो फ्रेंड्स। उसके बाद आप मालिक कौन है उसे मतलब मत रखो, आप बस ये चीज़ देखो कि ये प्रॉपर्टी अप्रोप्रिएट उस जगह पे है या नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये AR इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है, हो सकता है कभी हमारे नाम पे, कभी हो सकता है हमारे पार्टनर के नाम पर रजिस्टर्ड हो, दोनों चीज़ हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप ये वेरीफाई कर लिए, उसके बाद आप ये वेरीफाई करो कि आपको जो रेट मिल रहा है वो रेट सही है कि नहीं। बस आप रेट की टेंशन करो, प्रॉपर्टी बस आप चेक कर लिए, आप रेट देख लिए, उसके बाद आप इजिली फ्लैट ले सकते हो। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप फ्लैट जो ले रहे हो उसका पोजीशन आपको कब मिलेगा। आप अपनी जो भी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्रीमेंट बनती है, जब आप अपनी 10% पेमेंट देते हो तो उसके बाद आपकी बनती है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में आपको जो मेंशन कराना है वो ये कराना है। तो दोस्तों जैसे इन्होंने हमसे खरीदी है, संदीप रावत जी ने हमारे से प्री बुकिंग कराई है फ्लैट की, तो जैसे ये अभी मान लो प्री बुकिंग कराए हैं तो जो ओरिजिनल होती है एग्रीमेंट वो उनके पास होती है, फोटोकॉपी हमारे पास होती है, ये हमारी रिसीविंग होती है। इसमें फ्रेंड्स हर चीज़ डिटेल मेंशन होता है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें आप एक क्लॉज ये मेंशन कराओ कि अगर इसमें अगर कुछ भी दिक्कत आती है डील के थ्रू तो हमारी पूरी अमाउंट रिफंडेबल रहेगी। ये आप क्लॉज एक बस मेंशन करा लो, उसके बाद आप किसी भी फ्लैट ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स एट द लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बंदा उत्तम नगर में फ्लैट लेना चाहता है वो बेधड़क होकर फ्लैट ले, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही सही मार्केटिंग हो रही है। ये अलग बनता है, ये अलग बात है कि हर बंदे अपने अलग अलग तरीके से अपने कस्टमर को बुला रहे हैं, कोई सोशल मीडिया के थ्रू बुला रहा है, हमारे बहुत सारे जो फ्लैट्स हैं वो डीलर के थ्रू बिक जाते हैं, क्योंकि हमारी जो सोशल मीडिया भी है उतनी वायरल नहीं है आज के टाइम पे, हम उतने फेमस नहीं हैं। तो दोस्तों ये बात है, लेकिन फ्लैट बिल्कुल जायज़ है यहाँ पे। बस आपको ये तीन चीज़ों की ध्यान रखनी है जो मैंने आपको तीन पॉइंट्स बताएं, उसके बाद आप उत्तम नगर के अंदर में कहीं से भी फ्लैट ले सकते हो, ऑल दो सब चीज़ बहुत ओके है यहाँ से। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बंदे ये रूमर फैला रहे हैं कि उत्तम नगर में फ्लैट लेना सही नहीं है, उन्हें आप ये बताओ, ये सारी चीज़ें तीनों चीज़ें चेक कराओ उनसे, और उसके बाद उनसे ही पूछो कि सही होगा कि नहीं होगा यहाँ से फ्लैट लेना। बस इतना ही मैं आपसे बोलूँगा, आप यहाँ पे किसी से फ्लैट ले सकते हो और बिल्कुल बेफिक्र होकर दीपावली में शॉपिंग करो, अपनी फ्लैट लो, घर गृह प्रवेश करो अपने फ्लैटों की। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।